मेरे प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग सबको। भाई मेरा नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार मेरे साथियों, ये खबर आई कि भगवान स्वर्ग से आ रहे हैं और वो सबको अपने हाथों से सेब देंगे। अब सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। उसमें एक नन्ही सी छोटी सी बच्ची भी थी जिसका नाम था प्रकृति। अब प्रकृति को तो बहुत खुशी हो रही थी कि भगवान आ रहे हैं, मुझे सेब भी मिलेगा और उसके साथ साथ मुझे भगवान के दर्शनों का लाभ भी मिलेगा, मैं भगवान को देख सकूंगी। अच्छा भाई, निश्चित दिन में भगवान आए और भगवान ने कहा सब लोग ईमानदारी से लाइन बना लो और बारी बारी सबको सेब मिलेगा। सब लोगों ने लाइन बना ली। अब लाइन बना ली तो उसमें जो बच्ची थी उसका सबसे लास्ट में नंबर था, लेकिन वो संतोष करके लास्ट में एकदम खड़ी हुई थी। और जब उसकी बारी आई तो उसने देखा भगवान को। पहले तो उसने जी भर करके देखा, आंखें फैला फैला के, अरे वाह कितने खूबसूरत है भगवान, कितनी प्यारी है इनकी छवि, कितनी मोहिनी रूप है इनका। और उसके बाद उसने अपने दोनों हाथ ऐसे फैला करके भगवान से सेब लिया। भगवान ने उसे खूब बड़ा सा सेब लाल लाल रंग का दिया, उसने ले लिया। अब लेकर जैसे वो बाहर निकली तो उसके हाथ से वो सेब गिर गया और नाली में चला गया। अब बच्ची बड़ी दुखी हो गई, मेरा सेब तो नाली में गिर गया। वो फिर से लाइन में लग गई। जो दूसरी लाइन थी वो पहली वाली लाइन से भी ज़्यादा लंबी, लेकिन करे क्या, उसको तो सेब लेना था, दूसरी लाइन में लग गई। अब जब दूसरी लाइन में लग गई, बहुत देर बाद उसका नंबर आने वाला था तो खबर आई, अरे सेब तो ख़त्म होने वाले हैं। बच्ची ने सोचा ओहो, जब तक मेरा नंबर आए सारे सेब ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, उस मालिक के घर में जिसे परमपिता परमात्मा कहते हैं, वाहेगुरु कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, हम ईश्वर के नाम से पुकारते हैं, उसके यहाँ खजाना कभी भी खाली नहीं होता, उसके हमेशा भंडार भरे रहते हैं। तो जब उसका नंबर आया तब तक और नई नई सेब आ गई। भगवान ने प्रकृति को भी एक सेब दिया और भगवान बोले, जानती हो पहला सेब आपका मैंने ही नाली में गिराया था। और क्यों गिराया था? क्योंकि वो आधा सेब सड़ा हुआ था और तुम्हारे लंबी लाइन में इसलिए लगाया क्योंकि पेड़ों पर जो सेब थे उनको पकने में टाइम लग रहा था और जब तक वो पके तब तुम्हारा नंबर आया। और दूसरी बात, बेटा मैं तो अंतर्यामी हूँ, मैं तो सबके हृदय की बात को जानता हूँ, सबकी भावनाओं को समझता हूँ, तो आपके भाग में ये सुंदर सा बड़ा सा प्यारा सा लाल लाल सेब था, इसीलिए मैंने उसको गिरवा दिया था। तो अगर मेरे साथियों आपके किसी काम में विलम्ब हो रहा है, देर लग रही है, तो ये समझ लेना कि प्रभु कुछ बहुत अच्छा आपको देने वाले हैं। उसके भंडार से कभी कोई निराश नहीं लौटता, वो कभी किसी को खाली हाथ नहीं देता। और हमें, हम क्या है, हम तो जो चाहते हैं कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, हम तो सब कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन भगवान हमें वो देता है जिसकी हमें ज़रूरत है। कहते हैं मैंने भगवान से मांगा था प्यार, अब भगवान ने मुझको क्या दिए, दुखी लोग, उनसे निस्वार्थ प्रेम करने के लिए। मैंने भगवान से कहा भगवान मुझे बुद्धि दे दो, भगवान ने दे दी उलझने उनको सुलझाने के लिए। मैंने भगवान से मांगा कि मुझे सुख दे दो, भगवान ने मुझे क्या दी, दुख दी, तकलीफें दी, हिम्मत से आगे बढ़ने के लिए। मैंने भगवान से जो जो मांगा भगवान ने मुझे वो नहीं दिया, भगवान ने मुझे वो दिया जिसकी मुझे आवश्यकता थी। तो अगर हमारे किसी काम में देर हो रही है, मतलब प्रभु हमारे लिए कुछ बहुत अच्छा सोच रहे, अगर उसने हमारे हमसे कुछ ले लिया है, एक हाथ से उसने कुछ लिया तो मतलब वो दूसरे हाथ में हमको कुछ देना चाहता है, और देने के लिए पहला हाथ खाली भी तो होना चाहिए। अब जैसे उन्होंने पहली बार प्रकृति का सेब गिरा दिया, क्यों? क्योंकि वो तो उससे अच्छा उसको देना चाहते थे। तो प्यारे बच्चों, ये सोचो कि राजी हूँ मैं उसी में जिसमें तेरी रजा है।
तू जैसे भी मुझे रखे उसी में मेरी मजा है। तो भगवान जिस हाल में रखते हैं, जिस परिस्थिति में रखते हैं, तो हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। कहते कि जात निधियो ताहि बिसरायो ऐसो नोन हरामी मोसो को कुटिल खलचामी। जिस परम पिता परमात्मा ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया, इतने अच्छे माता पिता दिए, रहने के लिए घर दिया। बहुत से लोग बच्चे बच्चों ऐसे हैं जिनके पास घर ही नहीं है, फुटपाथ पर सोते हैं। कई ऐसे हैं जिनके माता पिता नहीं है, कई ऐसे हैं जिनके अंग नहीं है, शरीर का कोई ना कोई अंग खराब है, कई चलने को मोहताज है। तो ये कल्पना करो कि प्रभु ने हमको कितना कुछ दिया है, कितना अच्छा है, कितना कृपालु है, कितना दयालु है। तो भगवान जो भी हमें दे उसमें हमें संतोष करना चाहिए, और उसके संतोष में उसने जो दिया है उसमें हमको हमेशा खुश रह के उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम सभी फिर मिलेंगे। आज की कहानी आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तब तो भाई सब बच्चों को टाटा बाय बाय, सबको मेरा नमस्कार।